कार्रवाई। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ये समस्तीपुर के रास्ते से बेगूसराय से होते हुए, मतलब बेगूसराय से समस्तीपुर से रास्ते के रास्ते होते हुए स्पीड का कंसाइनमेंट आ रहा है मुजफ्फरपुर जिले में, तो हम लोग मनियारी टोल प्लाजा के पास उसको घेर के हम लोगों ने पकड़ा है। और इसमें करीब 35 लीटर का 34 जर्किन मिला है, जिसमें 1190 लीटर ये स्प्रिट है जिसे शराब तैयार किया जाता है। संभवतः यह शराब निर्माण के लिए लाया गया था और इसको इसके माध्यम से शराब बनाकर जिला में सप्लाई किया जाता। किस प्रकार से इसको छुपाया गया था? इसको ईंट के बीच में छिपाया गया था, ट्रैक्टर में पकड़ा गया है। ये ट्रैक्टर में ईंट लदा है चारों तरफ से, किसी को ये पता नहीं चल सकता है कि इसके अंदर स्प्रिट हो सकता है, क्योंकि इस तरह से इसको छिपाया गया है। लेकिन चूंकि गुप्त सूचना में प्राप्त थी, इस आलोक में कार्रवाई की गई है। कांटी और कांटी और ये मीनापुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको डिलीवरी करना था। सर टोटल कितने लीटर था? गिरफ्तारी दो हुई है, एक मोहम्मद शमशाद है और उसको सप्लाई देना था मणिशंकर को, जो कि चांदनी चौक के पास था। और मणिशंकर का काम ये था कि वो कांटी और मीनापुर क्षेत्र में इसको पहुंचाए। कारोबारी की पहचान की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है। प्राथमिक अनुसंधान में सामने आया है कि ट्रैक्टर जो है चोरी का है और इसमें जो जो लोग संलिप्त हैं पूरा हर स्तर तक जाएंगे हम लोग अनुसंधान में और कार्रवाई की जाएगी। शराब इससे बनता कितना खतरनाक साबित होता है? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। इसका हम लोग केमिकल एनालिसिस कराएंगे पटना भेजकर, इसमें एथाइल अल्कोहल है या फिर मिथाइल अल्कोहल है, इसकी भी जाँच की जाएगी।